कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों का धरना प्रदर्शन संसद भवन के अंदर गांधी मूर्ति के सामने शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं यहां पहुंच गए हैं, राज्यसभा लोकसभा के कांग्रेस के तमाम नेता और बाकी 12 विपक्षी पार्टियों के नेता यहां मौजूद हैं। दरअसल ब्लैक मनी के खिलाफ सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया है डिमोनेटाइजेशन का, उससे होने वाली असुविधा को लेकर कांग्रेस के तमाम सांसद जो है विरोध कर रहे। आप देख सकते हैं राज्यसभा लोकसभा और दूसरे दलों के तमाम सांसद यहां मौजूद है। धरना प्रदर्शन के लिए मांग है कि जो असुविधा हो रही है उस पर सरकार जो है अपना पक्ष रखे, सफाई दे। इसके अलावा ये भी मांग है कि JPC की जाँच पूरे मामले पर हो और कुल 13 पार्टियां जो है, कांग्रेस समेत 13 पार्टियां जो है इस पूरे मामले पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ नेताओं से बात करने की कोशिश करते हैं। सर ज्योति सर, क्या मांग रहे हैं? हमारी मांग है कि इस विषय पर रूल 56 के अंतर्गत लोकसभा में डिबेट होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति होनी चाहिए। हमारी ये दो मांगे हैं। पर कठिनाई की बात यह है कि जो कठिनाई का सामना हर इंसान सड़क पर कर रहा है, ये सरकार पूरी तरह से स्तब्ध है और सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन लगता है कि प्रधानमंत्री आपकी बात मानेंगे, क्योंकि कल उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी के खिलाफ जो उठाया गया कदम है उसके खिलाफ विपक्ष विरोध कर रहा है। भ्रष्टाचार के विरोध मैं समझता हूँ विपक्ष के हर पार्टी का हर सदस्य है। भ्रष्टाचार एक अभिशाप है जिसे मिटाना हम सब लोगों का दायित्व है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने क्रियान्वयन किया है, जिसके आधार पर आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसका कठोर विरोध हम लोग करते हैं। तो असुविधा को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध जारी है। आप देख सकते हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं यहाँ मौजूद हैं। देख सकते हैं अहमद पटेल, अंबिका सोनी, जनार्दन द्विवेदी, वीरप्पा मोइली और अपने कैमरा पर्सन ललन ठाकुर से कहेंगे कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ कैमरे को ले जाए। शरद यादव, JDU के नेता, TMC के लीडर्स, उधर बाकी कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, करीब 200 सांसदों का विरोध प्रदर्शन है या धरना प्रदर्शन है। इस मुद्दे पर मांग ये की जा रही है कि जो डिमोनेटाइजेशन को लेकर लोगों को असुविधा हो रही है उसको सरकार दूर करे, प्रधानमंत्री सदन में और खुद जवाब दे और ज्वाइन JPC की जांच की मांग कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। इस समय कैमरा पर्सन ललन ठाकुर के साथ दिल्ली से नीरज कुमार।